हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आयुष परिक और मेरे साथ है ऋषिराज सर। तो आपका वेलकम है नर्वस और एंडोक्राइन के फोर्थ एपिसोड के अंदर। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग ये वाली जो हमारी गुरु नीति है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में जो नर्वस सिस्टम के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर, नीट के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आप इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको भी ये लगेगा कि लास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के आसपास से ही पूछे जाते हैं, और उनमें से किस तरीके से जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, और हमें जब फाइनल हमारे एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो हमें किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार की एम्बिग्युटी जनरेट नहीं होती है। ऑप्शंस भी बिल्कुल क्लेरिफाई देता है कि ये ऑप्शन इस तरीके का है, दूसरा ऐसे है, तो बिल्कुल क्लियर कट। आपको इजी वे से आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है। रॉन्ग ऑप्शन है। और हम 100% नर्वस सिस्टम पर जब फोकस कर रहे हैं तो हम ये भी एप्लीकेशन देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पूछे गए हैं लेकिन उनका लिंक एंडोक्राइन से होगा, एंडोक्राइन से। और कुछ ऐसे हैं जो नर्वस सिस्टम से होंगे पर और भी जो हमारे बॉडी के सिस्टम से उनको लिंक अप करते हुए, इसका मतलब पूरी बॉडी का कंट्रोल जो करता है, बॉडी का कंट्रोल सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम। जी सर, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द नर्व एंटर्स व्हिच कंट्रोल द बॉडी टेंपरेचर and the urge for eating are contained in। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स बात कर रहा है बॉडी टेम्परेचर के रिगार्डिंग और ईटिंग की जो अर्ज है, यानी कि कुल मिला के हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेंटर कहाँ पे है और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर और हंगर सेंटर। अर्ज ऑफ ईटिंग मीन्स खाने पीने से रिलेटेड है। जी सर, इसका मतलब हम इस तरीके के सेंटर को ब्रेन के अंदर देखें तो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और माइंड ब्रेन। उनमें से बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग या थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। जी सर, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, इनमें कौन कौन से पोर्शन आते हैं। जी, फोर ब्रेन में कौन सा है, हाइंड ब्रेन में कौन सा है, मिड ब्रेन में कौन सा है, लेकिन हमें ऑप्शन से ये पता लग जाए कि फोर ब्रेन का एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर होगा। बिल्कुल, और मिड ब्रेन का और हाइंड ब्रेन का कोई ऑप्शन है तो वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर और अर्ज ऑफ ईटिंग तो फॉर ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो देखिए इसी में सर दो ऑप्शंस तो इन्होंने हमें दिए हैं जो फॉर ब्रेन के दिए हैं। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये जैसे कि ब्रेन हो गया, जैसे सर ने बताया, तो ब्रेन को हम लोग थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फॉर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया। हाइंड ब्रेन के पार्ट की बात करें तो हम लोग सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला और मेडुला ऑब्लेंगा, और वहीं हम लोग मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि ऑप्टिक लोब्स के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं, ऑप्टिक लोब और हियरिंग से रिलेटेड वो हमने देखा भी था। और फोर ब्रेन की बात करें तो सेरेब्रम, सेरेब्रम के बाद हम लोग देखें अगर फोर ब्रेन के अंदर तो थैलेमस भी हो गया इसका पार्ट, हाइपोथैलेमस भी इसका पार्ट है, डायनेन्सेफेलोन वाला पार्ट वो इसके अंदर आ जाएगा। ये दोनों क्योंकि ऑप्शन में है इसलिए फोर ब्रेन के अंदर मैंने इनको यहाँ पे आपको अलग से बता दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन थैलेमस है। जी, थैलेमस हमारी बॉडी का रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है एज ए रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पर रिले सेंटर की तो कोई क्वेश्चन में पूछी नहीं पूछा सर, सही बात है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया। थर्ड और फोर्थ वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि ये हाइंड ब्रेन का पार्ट। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हाइपोथैलेमस। बॉडी के जो सेंटर्स हैं ये हाइपोथैलेमस में रिलेटेड है। टेम्परेचर जब भी आ जाएगा थर्मोरेगुलेशन में तो हाइपोथैलेमस ही हम लोग आंसर इसका देंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं सर। जी, क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, AIPMP 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा था, और ये क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड
नर्व इंपल्स कंडक्शन का जो पार्ट है वहां से रिलेटेड है और रेस्टिंग स्टेट के न्यूरॉन की बात कर रहा है। बिल्कुल, और रेस्टिंग कंडीशन में यहां पर एक स्पेसिफिक पंप काम करता है सर, वो कौन सा पंप है? सोडियम पोटेशियम पंप। उसका रोल है 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ सेंड करना, 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ सेंड करना। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है इसमें लीकेज चैनल्स भी प्रेजेंट होती हैं जी, वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अगर उनकी बात करें तो हम कहेंगे कि ये रेस्टिंग फेज है, नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स। ऐसी फेज में सोडियम के लिए ये इम्परमेबल की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल सर। और पोटेशियम के लिए मोर परमेबल की तरह बिहेव करता है। सिंपल सी बात करें तो एक सिंपल डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हायर टू लो कंसंट्रेशन बच्चों, तो बाहर की तरफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर की तरफ का जो फ्लूड है उसमें पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब परमिलेबिलिटी की जो बात आपने करी सर, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोटेशियम की जो लीकेज चैनल है वो सोडियम के लीकेज चैनल के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, तो जो पोटेशियम है वो आसानी से लीक होता रहता है और सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि पोटेशियम का मूवमेंट कहां होगा? अंदर से बाहर, क्योंकि अंदर ज्यादा है बाहर की तरफ कम है। सोडियम भी अंदर आना चाहता है बट उसके लीकेज चैनल ही नहीं है, तो वो बेचारा कैसे क्रॉस कर पाएगा हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन को? ऑप्शंस को यदि देखा जाए जी, फर्स्ट ऑप्शन है इक्वली परमिएबल बोथ सोडियम एंड पोटेशियम, जो बिल्कुल रॉन्ग हो गलत हो गया क्योंकि ज्यादा लीकेज चैनल पोटेशियम की है जी। इम्परमिएबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, इसके लिए इम्परमिएबल है, इसके लिए परमिएबल है, ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, ये 100% करेक्ट हो गया सर। बिल्कुल, क्योंकि पोटेशियम को ज्यादा परमिएबल बता रहा है और सोडियम को कम, और कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम आयन ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने देखा अभी, तो इसलिए इसका सही आंसर स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच, अभी हमने बात की थी सर, हाइंड ब्रेन के अलग अलग पार्ट है जी, जैसा कि अभी आयुष पारिक सर ने डिस्कस किया कि फर्स्ट पार्ट जो है वो है मेडुला, सेरेबेलम एंड पोन्स। ये इस तरफ पोन्स हो जाएगा सर, और ये जो पार्ट है हमारा ये सेरेबेलम हो गया और नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लेंटा हो गया। वन ऑफ विच, उनमें से कोई एक पूछा है, मेडुला भी हो सकता है आंसर, सेरेबेलम भी हो सकता है और पोन्स भी हो सकता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि हाइपोथैलेमस तो फोरब्रेन का पार्ट हो गया, कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्टिंग लिंक वाला पार्ट हो गया, ये भी फोरब्रेन का हो गया, ये भी फोरब्रेन का हो गया। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीएनएस का ब्रेन के अलावा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इट मींस करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेरेबेलम। और सेरेबेलम हमारी बॉडी की वॉलंटरी मसल्स का इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। बिल्कुल, ए पर्सन एंटरिंग इन एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स ए स्नेक राइट इन फ्रंट ऑफ एन ओपनिंग द डोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन इन हिज न्यूरोहार्मोनल कंट्रोल। यानी ये कहना चाह रहा है कि सर मैं एक अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलता हूं और जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं तो जस्ट मेरे सामने मुझे सांप दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन में सांप दिखाई दे या कोई भी हम हॉरर मूवी यदि देख रहे हैं या फिर ऐसे केस में कोई भी ऐसे फियर फैक्टर जनरेट होता है तो हमारी बॉडी में FFF या इमरजेंसी सिचुएशंस, जो इमरजेंसी सिचुएशंस है वो डेवलप हो जाती है जी सर। अब इमरजेंसी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है तो ऐसे में हमारे नर्वस का कंट्रोल तो है ही है, साथ में एंडोक्राइन का कंट्रोल भी जी। नर्वस से जो फाइबर अराइज होंगे उसका एंडोक्राइन में यहां पर कंट्रोल है, कौन से पार्ट में? एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल मेडुला जो है वो एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, जिसी को हम एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन बोल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन यदि डेवलप होती है बिल्कुल तो हम उस फियर फैक्टर से इजी वे से बच सकते हैं क्योंकि ये अब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस डेवलप करेंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके से यदि कोई ऑप्शन यदि हमें
मिलता है। और तो फिर ये भी बात सर हमें देखनी होगी कि ये जो है इनकी रिलीज जो कराएगा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट होता है एक तो, और एक पैरासिंपैथेटिक पार्ट होता है। ये इसीलिए तो मैंने बताया यहाँ पर कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है एंडोक्राइन को जी। तो नर्वस सिस्टम का एंडोक्राइन कंट्रोल एड्रिनल मेडुला में जो है वो सिंपैथेटिक फाइबर की फॉर्म में, सिंपैथेटिक फाइबर की फॉर्म में। तो कुल मिला के सर एक बात हमें पता लग चुकी है कि इमरजेंसी सिचुएशन हमें बॉडी में क्रिएट करवानी है तो सिंपैथेटिक जाकर के सिग्नल देगा एड्रिनल मेडुला को कि भैया आप क्या बनाइए, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज करवा दीजिए जी, ताकि बॉडी तैयार हो पाए, क्योंकि स्नेक काट भी सकता है, भागना भी पड़ सकता है, बहुत सारे जो बॉडी बहुत सारे फैक्टर डेवलप होंगे, ऐसे में हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो डिक्रीज हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पिपिल डायलेट हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर आए और हमें ज्यादा बेटर तरीके से देखने को मिले। तो देखते हैं सर, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स द पैरासिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ब्रेन। नो, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सही बात है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। नहीं, कॉर्टेक्स की वजह से रोंग हो गया, हमने अभी बताया कि एड्रिनल मेडुला काम करेगा, कॉर्टेक्स को तो हमारा पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है जी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया सर जी, क्योंकि देखिए सिंपैथेटिक भी आ गया और रिलीज करवा रहा है मेडुला से, और एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी आ गया। एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन कहते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रिनलिन कहते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफ्यूजेस रैपिडली अक्रॉस द क्लेफ्ट, ये तो इंपल्स कंडक्शन सिनेप्टिक कंडक्शन की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट वैसे भी रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रैपिडली क्रॉस नहीं करते हैं जी सर, वहां पर एक सिनेप्टिक डिले प्रोसेस है वो डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पर नर्व इंपल्स जो ट्रांसमिशन है तो एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन पर मैसेज जाएगा, तो डीपोलराइजेशन मैसेज पहले पहुंचना चाहिए, फिर वहां पर कैल्शियम मूवमेंट होनी चाहिए जी सर, सिनेप्टिकल वेसिकल्स को ब्रश करना चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना चाहिए, रिसेप्टर से बाइंड होना चाहिए, तब जाकर दूसरे न्यूरॉन का डीपोलराइजेशन। तो ये भी गलत हो गया। तो कुल मिलाकर के एएपीएमटी 2012 में जो ये क्वेश्चन पूछा था सर, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हियरिंग एज सच बट अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले गणित में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो हियरिंग मैकेनिज्म में इंटरनल ईयर का रोल नहीं है, तो उसके अलावा जो पार्ट बचता है वो डायनेमिक और स्टैटिक बैलेंस बनाएगा, वो क्या होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिबुलर ऑटोलिथ ऑर्गन, यूट्रस और सर्कुलस। तो इसके आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर है और इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर के जैसा सर ने कहा कि वेस्टिबुलर एपरेटस और हियरिंग से रिलेटेड जो है वो कॉक्लिया। इस तरीके से सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑटोलिथ ऑर्गन जो है ये दोनों वेस्टिबुलर एपरेटस फॉर्मेशन करेंगे, ये डायनेमिक बैलेंस बनाता है, ये स्टैटिक बैलेंस बनाता है, और ये हियरिंग से रिलेटेड। ये तो पूछा नहीं गया है, पूछा नहीं, मींस करेक्ट आंसर क्या होगा, वेस्टिबुलर एपरेटस जो कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है। ईयर ऑसिकल्स, फिर मिडल ईयर का पार्ट हो गया, और यूस्टेकियन ट्यूब, ये भी मिडल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई हियरिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए सही आंसर हमारा 100 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। देखिए सर, दो क्वेश्चन आए हैं, एक तो अभी हमने देखा और एक और क्वेश्चन एपीएमटी 2012 में नर्वस से आया है। ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पार्ट होता है, ये बच्चे अगर चाहे तो ये खिचड़ी की तरह है, क्योंकि मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश आपके पास नहीं होती। और बिल्कुल आपने देखा अभी सभी ऑप्शन अलग अलग पार्ट से है, एक फोर ब्रेन से है, तो एक मिड ब्रेन से, एक हाइंड ब्रेन से है, किसी तरीके की लेबलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो भी वो करेक्ट फॉर्म में है, कोई भी एम्बिग्यूटी जनरेट नहीं हो रही, किसी प्रकार का कोई ऑप्शंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि धोनी बैटिंग कर रहा हो और सामने कोई स्पिनर आ जाए और पिच पे स्पिन से मदद नहीं मिल रही, बॉल बैट पे आ रही है, तो आपका छक्का मारने का जो टाइम है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि गलत कराने वाले टॉपिक्स और भी हैं जहां पर थोड़ा बहुत गलती की गुंजाइश हो सकती है जी। तो इसको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। फिर
जैसा क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नीट कर्नाटका में जब लगा था सर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब नीट हुआ था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सेजिटल सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन इज शोन हियर, आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू लेबल्स फ्रॉम ए टू डी। तो सर इसकी लेबलिंग करेंगे हम पहले, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। एक ही यदि लेबलिंग की जाए तो हम कह सकते हैं ये सेरेब्रम वाला पार्ट, बिल्कुल सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर उसी का पार्ट है, तो उसी का पार्ट है, हाफ पार्ट हो सकता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर जी। उसके बाद ये जो पार्ट है डी, ये सेरेबेलम को शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये सेरेबेलम को शो करेगा। सी जो पार्ट है ये इसी का कनेक्टिव पार्ट है, ये हम कह सकते हैं ये पॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, और थैलेमस। बी जो पार्ट है ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये थैलेमस भी हो सकता है या हाइपोथैलेमस भी, हम ऑप्शन के बेसिस पर इसको देखेंगे। तो दो हमें आइडेंटिफाई करने हैं ए से जी पे। ए बता रहा है सर ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि सही बात है। हाँ। बी जो बता रहा है ये सेरेबेलम बता रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। सी जो बता रहा है सर ये मिड ब्रेन का पार्ट बता रहा है, सी मिड ब्रेन का पार्ट बता रहा है, तो सी तो यहां पर किस पे लेबलिंग कर रखा है, इस वाले पार्ट पर जी, ये वाला पार्ट हाइंड ब्रेन का पार्ट, हाइंड ब्रेन ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया सर। और डी बता रहा है ये सेरेबेलम, हाँ डी सेरेबेलम है बिल्कुल। ए बता रहा है सेरेब्रम जी, और सी बता रहा है पोन्स, सी पोन्स है, ए सेरेब्रम है, इट मींस ये स्टेटमेंट क्या है राइट हो गया सर। और बी कॉर्पस कैलोसम और डी मेड्यूला, डी मेड्यूला नहीं है, डी पार्ट ये है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेरेबेलम बोल रहे हैं सर। थर्ड ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट, सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फिगर शोज एन एक्सॉन टर्मिनल एंड स्नैप्स, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबल्स ए टू डी। दो डायग्राम वाले क्वेश्चन आए हैं सर 2013 के अंदर, इस तरीके के डायग्राम को हम लेबल कर लेते हैं, जो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो उसको लेबल करते हैं जी सर। दीज आर सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिकल वेसिकल्स जी। सी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर, एंड बी न्यूरोट्रांसमीटर जी सर। ए एक्सोनल मेम्ब्रेन, तो हम इस तरीके का मैचिंग देख सकते हैं, देख सकते हैं कि सी पर रिसेप्टर होना चाहिए और डी पर साइनेप्टिकल वेसिकल्स होना चाहिए, यदि इस तरीके का मैचिंग मिल जाता है तो 100% करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज हम बी और ए का फिर देखेंगे जी। क्लियर, तो हमारे को यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि सी और डी का, सी और डी देख सकते हैं, सी क्या न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, सी सर न्यूरोट्रांसमीटर है बिल्कुल, सी नहीं, सी तो रिसेप्टर है, इसका मतलब गलत हो गया बिल्कुल। यहां पर हम कहें डी क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, तो सिनेप्टिक वेसिकल्स, इसका मतलब ये यहां करेक्ट है, और सी क्या है रिसेप्टर, तो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया है यहां पर, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन देखिए, नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन हुआ है, और कर्नाटका में इसी को थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, वहां पर लेबलिंग एबीसीडी की फॉर्म में कुछ और था, यहाँ पर एबीसी की फॉर्म में, एबीसीडी के फॉर्म में कुछ और है, कुछ और है सर, लेकिन एक आइडिया हमें ये मिला, यदि हम उस क्वेश्चन को पहले कर लेते तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में इजी वे से कम टाइम कंज्यूम किए हुए भी सॉल्व बिल्कुल हो जाता। एनसीईआरटी के डायग्राम तो आपको बिल्कुल ये टिप्स पे होने चाहिए जी, तो वही वाली बात हो गई सर, सी वापस से यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल हो गई, और ये हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो ये वाली हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ए रिसेप्टर है, और ये यहाँ पर जो डॉट लेबलिंग किए नहीं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गए जी। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो ये बी वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच के गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ऑप्शंस देख लेते हैं जी, ए को सर ये रिसेप्टर बता रहा है, जो कि बात एकदम सही है, सी को ये सिनेप्टिक वेसिकल्स बता रहा है, हाँ बिल्कुल सही, अभी आपने देखा था वहां पर भी लेबलिंग इसी तरीके की थी जी, वहां पर रिसेप्टर और सिनेप्टिकल वेसिकल्स करेक्ट था, यहां पर भी देखो
उसी को करेक्ट माना है, उसी को करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सही हो गया। आगे तो फिर देखने की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही सिंगल करेक्ट है। फिर देखिए सर, नीट 2013 के अंदर आप देखिए, 2013 तो डायग्राम्स का पूरा साल रहा है। बिल्कुल, कर्नाटका में भी क्वेश्चन आया तो सिनेप्टिक का आया, फिर दूसरा जो क्वेश्चन था वो भी स्नैप से रिलेटेड था, और एक और डायग्राम हम लोगों ने जो सेजिटल सेक्शन का देखा। अब ये आई का डायग्राम पूछ लिया इन्होंने 2013 के अंदर। पार्ट ए बी सी डी ऑफ ह्यूमन आई शोन इन द डायग्राम सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो वही हमें करना है सर, लेबलिंग हम लोग करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग पार्ट जो है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम बी वाला पार्ट, इस तरीके का डायग्राम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहां से ऑप्टिक नर्व अराइज हो रही है तो कौन सा पार्ट होगा? ब्लाइंड स्पॉट। मतलब जहां पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा जी। हम ये कह सकते हैं डी वाला पार्ट, ये आउटर, फिर ये मिडल और ये इनर। आउटर पार्ट क्या हो गया? इस क्लियर जी सर। ए वाला पार्ट जो है वो इनर मोस्ट, इनर मोस्ट पर लेबलिंग कर रखा है, ए वाला पार्ट क्या होगा? रेटिना, रेटिना हो जाएगा सर। और सी जो सी वाला पार्ट है यहां पर लेबल किया है, तो हम ये कह सकते हैं यदि इसको लेबल किया है तो ये पार्ट है आइरिस, आइरिस वाला। और यदि इस चैम्बर को लेबल कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? एक्वस ह्यूमर। तो यहां पर आइरिस भी लेबल कर सकता है, और यदि इस स्पेस को कह रहा है तो हम कह सकते हैं ये एक्वस ह्यूमर। तो मतलब कई बार यही होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये एरो कई बार हमें कंफ्यूज करता है, तो आपको उसके आसपास के पार्ट्स पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दिमाग में मान लिया, अपने मन से सोच लिया कि तो आइरिस ही बता रहा है, और आइरिस का ऑप्शन आया नहीं तो आप ये छोड़ दोगे कि तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया जी। ठीक है, तो सी सर ये बता रहा है एक्वस चैम्बर रिफ्लेक्ट्स द लाइट व्हिच डज नॉट पासस थ्रू द लेंस। यहां से तो कोई भी लाइट आएगी वो लेंस से पास होना ही पड़ेगा क्योंकि रेटिना पर इमेज बनाएगी। तो स्टेटमेंट डी कोरोइड, इट्स एंटीरियर पार्ट फॉर्म सीलियरी बॉडी। डी क्या है यहाँ पर? स्क्लेरा है, ये पार्ट वैसे ही रोंग हो गया जी सर। ए रेटिना कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स रोड्स एंड कोन्स। हाँ, ये जो ए वाला पार्ट है ये क्या है? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रोड्स एंड कोन्स जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बी ब्लाइंड स्पॉट has only a few roads and cones. नहीं, यहाँ पर blind spot पर तो roads and cones होंगी नहीं, होंगी। तो ये भी क्या हो गया? wrong हो गया। तो कुल मिलाकर के इसमें सही आंसर जो है हमारा third option है जी। How do parasympathetic neural signal affect the working of heart? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हार्ट की वर्किंग पूछ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किस पर इफेक्ट देख रहा है ये? सर्कुलेटरी सिस्टम पर इफेक्ट देख रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है जी। कार्डियक एक्टिविटी हो सकती है, हार्ट बीट हो सकता है, कार्डियक आउटपुट हो सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम हो सकता है सर। तो इस तरीके की एक्टिविटी कहीं पर भी, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जैसा अभी आपने बताया था कि इमरजेंसी सिचुएशन जब भी डेवलप होगी तब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जी। वहां पर हार्ट बीट, बंद कमरे में हमने किसी चीज को देखा अचानक से डरावनी चीज को, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ा, या बिना पढ़े हुए पेपर को देखा तब भी हार्ट बीट बढ़ जाती जी। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हुई कब? जब सिंपैथेटिक एक्ट कर रहा। अब हम जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एक दूसरे का क्या है? अपोज, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट है। तो पैरासिंपैथेटिक में हार्ट बीट क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो पहले इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हार्ट बीट डिक्रीज कहां की गई है, कहीं ऑप्शन में ऐसा है या नहीं। रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो पहले हम ये कार्डियक आउटपुट का भी रिलेशन देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तब बताया भी गया होगा, कार्डियक आउटपुट क्या है? हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मींस वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड निकल रहा है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या आएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। कई बार ये भी होता है कंफ्यूजन, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल में ब्लड आ गया, भर गई वो, और सिस्टोल कर दिया तो खाली हो गई, तो अब कितना ब्लड चला गया? हम ये मान लेते हैं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml फिल अप है हमारे केस में, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml फिल अप है जी, तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आएगा? 70 ml। तो
स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml जी, हार्ट बीट ह्यूमन बीइंग में 72 70, तो कार्डियक आउटपुट नियर अबाउट 5 लीटर आएगा। जब हार्ट बीट को डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज होगा, ये भी क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन है जी। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट करेक्ट, तो सही हो गया सर, है ना। सेकंड ऑप्शन भी चेक करते हैं जी, हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट इंक्रीज हो ही नहीं सकती है क्योंकि पैरासिंपैथेटिक काम कर, बिल्कुल सही है सर। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, ये भी इंक्रीज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, यदि ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज कैसे कर सकता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। तो सही आंसर हो गया सर हमारा फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा है, स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर बाय ए मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। इसका मतलब हमारे को दो चीजें देखनी है यहाँ पर, एक सर यहाँ पर हमें मोटर न्यूरॉन देखना है, एक हमें यहाँ देखना है मसल। तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल सर। हमने कोई भी एक मसल देखी, मसल्स में ये हम देखते हैं कि ये जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन जी, जेड लाइन जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस सार्कोमियर, सार्कोमियर जो हमारी फंक्शनल यूनिट होती है जी, सार्कोमियर। यहां पर थिक लाइन, यहां पर थिन लाइन, थिक लाइन आर मेड अप ऑफ मायोसिन एंड थिन लाइन, ये मायोसिन और ये एक्टिन फिलामेंट्स। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमारे पास एक मसल फाइबर का सेक्शन मिल गया जी सर, इसको स्टिमुलेट करना है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास मैसेज आना चाहिए जी। मैसेज कहां से आ सकता है, मैंने इस मसल फाइबर को एक्टिवेट किया, मैसेज कहां से गया होगा, यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका मतलब मैं कह सकता हूं सीएनएस से मैसेज यहां पर आ रहा जी। सीएनएस से कोई मैसेज यहां आए तो कैसा होगा, वो मोटर न्यूरॉन लेकर के आएगा, यदि यहां से यहां जाता तो क्या होता, सेंसरी। इसका मतलब यहां पर मोटर भी दिया हुआ है जी, और न्यूरॉन भी, इसका मतलब ये न्यूरॉन लेकर आएगा तो हम यह कह सकते हैं न्यूरॉन, यहां मोटर न्यूरॉन हो गया, यहां पर मसल हो गया, मसल हो गया सर। तो ये एक कौन सा पॉइंट हो गया, जंक्शन पॉइंट हो गया, जंक्शन पॉइंट हो गया। इसको एक साइड में नर्व है, एक साइड मसल है, क्या बोल सकते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसी को बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। इस तरीके की ये होती है सर, और ये हमारा जो मसल फाइबर की सेल हो गई, और इसी के अंदर हमारा जैसे सर ने बताया ये सार्कोमियर, इसी के अंदर फंक्शनल होते हैं, मोटर न्यूरॉन लेकर के आता है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज करता है जी। तो सर यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होता है, एसिटाइल कोलीन सर जी, और ये इसको सिग्नल देता है मोटर न्यूरॉन को। तो कहने का मतलब न्यूरॉन का जंक्शन किसके साथ, मसल फाइबर के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन NMJ या मोटर एंड प्लेट। बिल्कुल, इस तरीके का कोई ऑप्शन हो तो, बिल्कुल सर फर्स्ट ऑप्शन ही है ये, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया। द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल तो केवल मसल्स वाले पार्ट का, अंदर पार्ट उसमें न्यूरॉन की इंटरलाइनिंग नहीं हो पाई, नहीं हो पाती, वो तो बाद में जब ट्रेवल करता है पोटेंशियल तब जाकर के उसमें पहुंचता है वो। तो थर्ड ऑप्शन हो गया दी मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल भी इसी की यूनिट है, इसी की यूनिट है, तो इसमें भी मसल पार्ट है, मसल पार्ट है केवल। ये भी गलत हो गया सर, ये भी गलत हो गया। दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस सार्कोमियर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वही क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इसी का पार्ट हो गया, इसी का पार्ट हो गया। लेकिन हमें तो इससे रिलेटेड बात है, जिसमें दोनों चीजें आ जाए, यानी कि न्यूरॉन भी आ जाए और हमारे मसल सेल का पार्ट भी आ जाए। तो सही ऑप्शन जो है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फर्स्ट ऑप्शन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये क्वेश्चन भी 2014 में तीन क्वेश्चन आ चुके हैं सर बैक टू बैक नर्वस। इस तरीके का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार सरसरी नजर से हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखो यहाँ पर डार्क करके दिया उसने, सही नहीं है, नहीं आपको सही नहीं बताना है, सही नहीं है वो बताना है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ये इसको इस तरीके से ये भी दे सकता है कि इनकरेक्ट, या ऐसे भी दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि चार में से तीन तो सही होंगे और एक गलत होगा जो हमें आंसर लगाना है। इनमें से हमने बहुत बड़े बड़े ऑप्शन देखे, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है सर। हमारी नजर छोटे ऑप्शन पे गई, छोटे ऑप्शन पे कह रहा है रेटिनेल,
इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, जबकि हम पहले गुरुनीति में डिस्कस कर चुके हैं कि रेटिनेल और रेटिनॉल ये विटामिन ए का डेरिवेटिव, यही रोंग तो थर्ड तो गलत हो गया और हमसे इनकरेक्टली पूछा, इनकरेक्टली पूछा। बाकी स्टेटमेंट जो भी है वो सभी 100% करेक्ट होंगे जब हमें पहला मिल गया, गलत हो गया। फिर भी देख लेते हैं क्योंकि ताकि थोड़ी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी बच्चों की। रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ द विजुअल फोटोपिगमेंट्स, सही बात है बिल्कुल। इन रेटिना द रोड्स हैव द फोटोपिगमेंट रोडोप्सिन व्हाइल कोन्स हैव थ्री डिफरेंट फोटोपिगमेंट्स, बात कर चुके हैं इसकी, बिल्कुल कर चुके हैं। प्रोटॉन ड्यूटेरियन और ट्राइटन थ्री डिफरेंट टाइप के जो कलर विजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लू ग्रीन रेड के लिए। रोडोप्सिन इज द पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन द रोड्स ओनली, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब कई बच्चों को ये भी दिमाग में आता है कि कलर से रिलेटेड तो सर आपने ये बताया कलर के लिए कौन सा है, लेकिन यहाँ पर पर्पल रेड दे रहे हैं भाई, इस रोडोप्सिन का कलर है वो, रोडोप्सिन का कलर है, ये कलर नहीं जज कर रहा। जी जी सर, तो सही आंसर यानी कि जो गलत है इन तीनों में से वो हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। ए केमिकल सिग्नल दैट हैव बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल, अभी देखो सर हम शुरुआत जब की थी तो हम यही बात कर रहे थे जी कि किस तरीके से हम बात करें नर्वस सिस्टम की और उसका रिलेशन फिर दूसरे चैप्टर से ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम से देखने को मिला, मिल गया सर, एंडोक्राइन सिस्टम से देखने को मिला, और यहाँ पर तो क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया कि एंडोक्राइन और नर्वस दोनों में किसका रोल होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर पहले आपने देखा, बच्चों ने भी ये देखा है कि अभी हमने देखा था नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को रेगुलेट कैसे कर रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर्स के द्वारा जो कि एड्रिनल मेडुला से रिलीज करवा रहा है। तो सिंपैथेटिक फाइबर जिसका नेम दिया गया है वो क्या रिलीज करेगा, सिंपैथेटिन, सिंपैथेटिन क्या है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसका मतलब एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं नर्वस सिस्टम में, और हार्मोन का काम कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, बिल्कुल। तो अब इस तरीके का ऑप्शन हम देखें, कोर्टिसोल ये केवल इसका फंक्शन केवल एंडोक्राइन का होता है इसलिए ये गलत हो जाएगा। मेलाटोनिन ये भी एंडोक्राइन से है, इसका मतलब हम इनके सामने ई लिख देते हैं एंडोक्राइन। हाँ, और कैल्सिटोनिन ये भी एंडोक्राइन से रिलेटेड है। हाँ, एपिनेफ्रिन हमें मिली, ये एंडोक्राइन भी है और नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जिसे हम लोग एड्रेनलिन भी कहते हैं। जी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, तो ये टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन, टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन, सही है सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन, आप एक चीज नोटिस कीजिए सर, एएपीएमटी 2010 के बाद से ये ट्रेंड आ गया, एनसीईआरटी की लाइंस देनी है उनको, उनको डायग्राम देना है। अब बच्चों के साथ ये हो जाती है सबसे ज्यादा दिक्कत, मेरे साथ जो एनसीईआरटी पढ़ने में आती थी कि मुझे लगता था कि मैं इसमें पढ़ूं क्या, क्योंकि पढ़ने के बाद ये तो बिल्कुल ऐसा लगता था ये तो सिंपल सी लाइनें लिखी हुई हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है जब हम मेडिकल में आते हैं सर, प्री मेडिकल में, तो हमारा ब्रेन थोड़ा एक्टिव होता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं इन चीजों को भी जानूं, इनको भी जानूं। तो बच्चे क्या करते हैं, अपना स्टूडेंट का रोल छोड़ करके और साइंटिस्ट बनने लग जाते हैं। आपकी जिज्ञासा सही है पर उसको आप एमबीबीएस के लिए बचा के रखिए, उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखिए, अभी आपको कंपटीशन फाइट करना है, बस आपके दिमाग में रोल ये होना चाहिए कि आपको कंपटीशन फाइट करना है। कंपटीशन अगर आसान चीज को पढ़ने से भी निकल रहा है तो अच्छी बात है, क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स में हमें जाना। तो अभी नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं इसके लिए मैं एक जनरली बात बोलता भी हूँ, मोर स्टडी मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विल जनरेटेड, बिल्कुल सही बात। जितनी ज्यादा स्टडी करेंगे उतना दिमाग वाइड भी होता है और प्रॉब्लम्स जनरेट भी होती है। लेस स्टडी लेस प्रॉब्लम, एनसीईआरटी स्टडी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम रहेगी और नो स्टडी नो प्रॉब्लम, या तो आप पढ़ो ही मत आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप इतना पढ़ो कि आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व होती चली जाए। तो लिमिटेड पढ़े, एनसीईआरटी पर 100% फोकस करें, ज्यादा वाइड फैल कर यदि पढ़ाई करें तो कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा जी सर, और अपना दिमाग यदि कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाए तो इसमें तो बहुत सारी चीजें। और फिर ये जो पढ़ते हैं बच्चे इनमें भी ये नहीं पढ़ रहे कि ये कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, ये इधर उधर राइटर्स आपस में कंपटीशन बढ़ाने के लिए एक ने कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, एक ने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, तो आप पूरा डिटेल में भी नहीं पढ़ पाओगे प्री मेडिकल लेवल पे। तो
तो इसलिए एक बुक फोकस करें, जैसे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फोकस करें, और जैसे कि आप सीएलसी के स्टूडेंट हैं तो सीएलसी के मॉड्यूल्स हैं, आपको जो पेपर्स दिए जाते हैं उन्हीं पे फोकस लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ये बुक भी सॉल्व कर लूं, किसी और स्टूडेंट ने किसी और कोचिंग का बता दिया तो आप वो भी पढ़ लेंगे, सफिशिएंट मैटर है ये, बिल्कुल सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट मैटर है ये। तो एक बुक को कंसंट्रेट करके पढ़े, और वो एनसीईआरटी है, इससे बाहर पेपर बहुत कम संभावना है, बहुत डिटेल है एनसीईआरटी भी, ये पढ़ ली जाए तो ही काफी है, बहुत काफी है सर। चलते हैं सर, अब ब्रेन का इनकरेक्टली पेयर्ड फंक्शन पूछा है, इसका मतलब ब्रेन की लेबलिंग भी अगर पूछी जाए तो भी क्वेश्चन आया है। हाँ। अब लेबलिंग नहीं, अब उसका फंक्शन से रिलेटेड, तो लेबलिंग यदि आपने सही की थी तो फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए सर। सेरेब्रम, सेरेब्रम है, इसका मतलब ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, तो सारी मेमोरी से रिलेटेड तो यहीं पर है, बिल्कुल सर, इसका मतलब कैलकुलेशन कंटेंप्शन, ये तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सर। तो हमसे तो गलत पूछा है तो इसके रिगार्डिंग ये हमारा गलत हो गया। मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टेटिक कंट्रोल, मेडुला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टेटिक, होम्योस्टेटिक का मतलब होता है बैलेंस नेचर में रखना, इट मींस हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिक कंट्रोल में मेडुला का रोल है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में भी मेडुला का रोल है, ये भी मैक्सिमम इनवॉलंटरी सेंटर्स मेडुला में ही प्रेजेंट होते हैं, ये करेक्ट है ऑप्शन, करेक्ट हो गया, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट बताना। सेरेबेलम लैंग्वेज कंपैरिजन, कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, कोई भी लैंग्वेज को हम स्टडी कर रहे हैं उसको कंप्रीहेंसिव फॉर्म में यदि देखा जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट, और मेमोरी से रिलेटेड फंक्शन कौन कर रहा है, सेरेब्रम कर रहा है, सेरेबेलम नहीं करेगा, इट मींस ये ऑप्शन करेक्ट हो गया कि सेरेबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर सकता, और हमें इनकरेक्ट, मतलब ये ब्रेन के पार्ट का इनकरेक्टली मैच्ड फंक्शन है जी, तो गलत हो गया ये सर। कॉर्पस कैलोसम कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट। देखो ये जितने भी स्टेटमेंट है ये हमने इस तरीके के सिंबल रिप्रेजेंट किए, स्टेटमेंट तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए हमने इसको लगाया क्योंकि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लेबलिंग की है ना सर जी। चलते हैं सर नेक्स्ट पे, अब ये जो दोबारा री एएपीएमटी 2015 में लगी थी, दो बार हुआ था ये पेपर जी। अब इसमें पूछा है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, तो आपने बहुत अच्छे से गुरुनीति में एक्सप्लेन भी किया था कि हमारा डोर्सल सरफेस कौन सा है और वेंट्रल सरफेस कौन सा है, एक बार दोबारा आप समझाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा जी। बिल्कुल सर, देखिए बहुत अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कंफ्यूजन होता है कि डोर्सल कौन सा है और वेंट्रल साइड कौन सी है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि जो डोर्सल सरफेस होगी वो हमेशा डोर्सल जो सरफेस है फेस्ड होगी वो अप साइड जो आपने बताया था जी, और वेंट्रल सरफेस जो होगी हमेशा वो जमीन को फेस करने की होती है। अब हम तो इस तरीके से स्टैटिक पोर्शन में खड़े हैं तो फिर हमारी डोर्सल कौन सी, हमारी वेंट्रल कौन सी, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहीं ना कहीं हम चार पैरों पे चलने वाले एनिमल से हुआ है, तो हम अगर इस तरीके से चलते हैं तो ये साइड फेस करती है जमीन को जी, और ये साइड फेस करती है आसमान को, तो जो हमारी बैक साइड है वो हमारी बॉडी का डोर्सल पार्ट हो गया, और जो आगे की फ्रंट साइड है वो हमारी बॉडी का वेंट्रल पार्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जो मेरी रीढ़ की हड्डी या जो वर्टिब्रल कॉलम की बात करो तो वो तो कौन सी साइड में है, डोर्सल साइड में है, और जो स्टर्नम है वो वेंट्रल साइड में है। अब हम इस डोर्सल साइड का कट सेक्शन ले लें, इसको हमने इस तरीके से कट करके यूं देख लिया, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स सेक्शन है इसका स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम अगर इस तरीके से जैसे आपने बताया अभी कि हम झुककर ऐसे चले यूं स्पाइनल कॉर्ड ऊपर आ जाएगी हमारी, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे आ जाएगी यूं हमने, और इसको ऐसे कट कर लिया, बिल्कुल ऐसे कट किया तो मैंने ऐसे चिपका दिया जी, तो ये डोर्सल वाली पार्ट हो गई, बिल्कुल सर, इसका मतलब ये पीछे की पार्ट, पीछे, और ये वेंट्रल वाला पोर्शन है। वेंट्रल जो है अगर जैसे अभी आपने बताया कि हम ऐसे झुके और ये हमारा टच करना चाहिए पोर्शन जमीन को, जमीन को, तो हमने इस तरीके से झुककर यदि वर्टिब्रल कॉलम को कट कर लिया तो हमारे को ये सेक्शन दिखाई दिया, तो ये बिल्कुल डोर्सल हो गया और ये उसके रेस्पेक्ट में वेंट्रल, इसको मैं अगर सीधा भी कर लेता हूं तो आप देख लीजिए यूं हो जाएगा, ये पीछे चला गया पार्ट, ये वाला आगे चला गया, इसको मैंने यूं करके यहां फेस कर दिया जी, तो वो डोर्सल, तो ये डोर्सल हो गया अगर हमने ऐसे कट किया था। अब इसको ऐसे करो, आप भी करो सर, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पार्ट कहां गया, फिंगर वाला बैक साइड,
पोस्टीरियर बन गए ना, तो मैं डोर्सल को मैं यहां पर ये कह सकता हूं पोस्टीरियर बना पीछे वाला, और ये क्या बना एंटीरियर। तो यहां पर हमारे केस में, इस स्पाइनल कॉर्ड के केस में, ये डोर्सल बोल रहा है तो हम पोस्टीरियर माने जी, वेंट्रल बोल रहा है तो एंटीरियर मानेंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स, क्योंकि यदि हमें डोर्सल वेंट्रल पता और एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं पता तो भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये जो एंटीरियर हॉर्न, इसका मतलब इनको डैमेज कर रहा है, इनको डैमेज कर रहा है, तो इसके कारण कौन किसका लॉस होगा। हाँ, तो अब हमें ये पता होना चाहिए फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन, पढ़ा था सर हमने गुरुनीति में पढ़ा है जी। तो उसमें ये वाला पार्ट मैसेज को लेकर आता है, ये वाला पार्ट मैसेज को दे ले रहा है। इसका मतलब ये कैसा है सेंसरी, और ये वाला कैसा है मोटर। इसका मतलब हम तो ये कह सकते हैं कि यहां से मैसेज आ तो गया, जाने वाले पार्ट को डैमेज किया था। हाँ। तो यहां से मोटर मैसेज जाएगा नहीं, किसी भी पार्ट के पास नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों सर? इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस देख लेते हैं जी। कम्युनिकेशनल इंपल्स मींस आपस में कम्युनिकेट करने वाले इंपल्स, इसका मतलब वो तो यहां पर है इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन है। तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं है, और ये डैमेज भी नहीं हुआ जी, तो इसलिए गलत हो गया। इंटीग्रेटिंग इंपल्सेस इंटीग्रेट हो रहे हैं, यहां से यहां पर इंटीग्रेट हो रहे हैं, यहां से यहां पर भी इंटीग्रेट हुआ है, लेकिन आगे पार्ट को हमने क्या किया डैमेज कर दिया, ये भी हमारा नहीं है। सेंसरी इंपल्सेस, ये भी करेक्ट है, देखो सेंसरी तो मैसेज आ रही आ रहे, पर अगर ये यहां पर उल्टा दे देता तो ये गलत हो जाता। पोस्टीरियर यदि दे देता तो ये हमारे ऑप्शंस को वेल डिफाइन करता, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वेंट्रल पार्ट या एंटीरियर हॉर्न को डैमेज किया है, तो कौन सा पार्ट डैमेज होना चाहिए? वॉलंटरी मोटर जी इंपल्सेस। हमने किसी गर्म चीज को टच किया तो हमारे मैसेज तो आ गया, मैसेज तो आ गया, अब हम उसको हटा पा रहे हैं। हाँ, तो छोटे बच्चे को देखा होगा वो तुरंत हटा लेता है, अब हमारे लिए उस हॉटनेस के बारे में कितना ज्यादा डीप मैसेज आया है, हम उसको हटा पा रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं हटा पा रहे तो इसका मतलब हमारे पास मैसेज यहाँ पर डिलीवर नहीं हो रहा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से हमने समझा है बच्चों, इसका बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इस पे और वो घुमा के पूछ सकता है अलग अलग तरीके से। ए जिमनास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ, यानी कि जो कलाबाजी दिखाते हैं, इसका मतलब यहां से एक बहुत अच्छा वर्ड मिला हमें बैलेंस, यही हमारा आंसर घूमेगा बिल्कुल। अब बैलेंस की बात की तो बैलेंस दो टाइप के बताए थे हमने, स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस को कंट्रोल किया ऑटोलिथ ऑर्गन ने, डायनेमिक बैलेंस को किसने किया सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर क्रिस्टा एंड पोलैरिस, इन दोनों को ऐड कर दिया वेस्टिबुलर एपरेटस, ये करेक्ट आंसर हो। इंटरनल ईयर का जो पार्ट है बैलेंस, हमारे ईयर का फंक्शन ही है बैलेंसिंग एंड हियरिंग, तो बैलेंसिंग में ये रोल है और हियरिंग में किसका रोल है कॉक्लियर, कॉक्लियर। और सर इसको थोड़ा सा घुमा देता, ये ईयर का नहीं पूछता, नर्वस सिस्टम बोल देता, तो देखो उसी बेसिस पर आंसर देना चाहिए। और अगर जनरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बैलेंसिंग का पूछेगा तो हम सेरेबेलम दे सकते हैं जी। तो अभी इसके अकॉर्डिंग ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जैसा सर ने बताया कि ये तो कहां प्रेजेंट है, कॉक्लिया में प्रेजेंट होता है, हियरिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये हमारी जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता है, नर्व इंपल्सेस के फॉर्म में, और जो मैसेज को ब्रेन तक डिलीवर करने का काम करता है कॉक्लिया। ये पूरा ही हमारे इंटरनल ईयर का पार्ट हो गया, बट इट इज रिलेटेड टू हियरिंग, सुनने से रिलेटेड है। वेस्टिबुलर एपरेटस, यहां सर हमें आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर क्या है वेस्टिबुलर। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तो ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, और हमसे बैलेंसिंग की पूछा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इन मेमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड, री एआईपीएमटी 2015 में पूछा था। तो सर गुरुनीति डिस्कस करने का मुझे तो सबसे बेस्ट आइडिया यही लगता है कि हम सीएलसी ने एक नई मुहिम जो शुरू की है, इसमें जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस की, आप उन क्वेश्चंस को यदि एनालिसिस करें, वो हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है, और आज उसमें देखो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से डायरेक्टली हमने पहले फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन एआईपीएमटी में भी फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे बनाए। बिल्कुल सही बात है सर, और तो डायरेक्टली हमें ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, और अगर जो बच्चे इसको ढंग से देख लेते हैं गुरुनीति को, तो ये वास्तव में ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। और सबसे खास बात है कि ये हमारी तरफ से आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप कोई नए व्यूअर हैं तो आप हमारे जो सीएलसी का यूट्यूब पेज है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, तो आपको फर्दर नोटिफिकेशन जो भी हमारे सीएलसी की तरफ से यूट्यूब पर गुरुनीति अपलोड की जाती है, लास्ट ईयर के पेपर के सॉल्यूशन मौजूद हैं, बहुत सारा मैटर पूरा की पूरा यूट्यूब पे रखा हुआ है। और शाम को 6:30 बजे हमारे कोचिंग के डायरेक्टर जो कि बॉस हैं वो भी लाइव आते हैं और आपका मोटिवेशनल सेमिनार की तरह अगर आप उनको सुनेंगे भी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। क्वेश्चन पे वापस आते हैं सर, फोविया में पूछ रहा है कि फोविया सेंटर है विजुअल फील्ड का, आपने पूरा सेक्शन बना दिया सर आंखों का, बहुत ही शानदार बनाया है आपने सर ये सेक्शन, ये कॉर्निया पार्ट, कॉर्निया पार्ट हो गया सर, ये एक्वस ह्यूमर हो गया, बिल्कुल सर, ये विट्रस ह्यूमर हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया, ये लेंस, इसके अलावा यहां पर यदि पार्ट देखा जाए ये रेटिना जी, ये पार्ट कोरोइड और ये पार्ट स्क्लेरा, स्क्लेरा। अब हम लेबल कर सकते हैं जी कि भाई ये स्क्लेरा है, ये रेटिना है, ये कोरोइड है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये इसमें रिलेटेड किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, फोविया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है सर, केवल हम यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, बाकी कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। ओनली रोड्स आर प्रेजेंट, रोड्स, फोविया पॉइंट ऐसा है जहां पर विजुअल एक्विटी बेस्ड होती है, बिल्कुल विजन पावर बेस्ड होती है, ब्राइट विजन बनता है, ब्राइट विजन बनता है, लेकिन रोड्स तो डिम लाइट, डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मोर रोड्स देन कॉन्स आर फाउंड, मोर रोड्स, रोड्स ज्यादा होंगे तो डिम लाइट, डिम लाइट का विजन, अभी तो हमने बात करी कि कॉन्ट्रास्ट इमेज जो है वो फोविया पे बनती है, तो कॉन्स ज्यादा होने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया सर, है ना। हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स अकर बट हैज नो रोड्स, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, करेक्ट हो गया सर। और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्टिक नर्व लीव द आई, ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है तो वहां तो ब्लाइंड स्पॉट, वहां पर तो इमेज, करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल था। कॉर्निया से सर एक रिलेटेड बात मुझे दिमाग में आई कि जो ज्यादा समय तक कॉन्टेक्ट लेंस लगा के रखते हैं उन्हें डॉक्टर ऐसा कहता है कि आपको लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि आप 4 दिन तक आपने कॉन्टेक्ट लेंस लगाए तो लगा के ही रखें, इससे आपकी आई साइट डैमेज हो सकती है। इसका बहुत अच्छा सा रीजन है सर, और वो रीजन ये है कि जो हमारा कॉर्निया है ये जो ऑक्सीजन लेता है ये डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर से लेता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, नहीं है, तो वैस्कुलर सिस्टम नहीं है तो इसका एक फायदा भी है, हमारे बॉडी में सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पॉसिबल है। कई बार कोई आदमी आई डोनेट करता है तो उसमें से ये तो है नहीं कि पूरी आई हम डोनेट करते हैं, उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी करते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की ये करते हैं, और इसी वजह से कॉन्टेक्ट लेंस क्योंकि कवर कर लेंगे कॉर्निया को तो कॉर्निया रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, और देन इसी के लिए ऑक्सीजन सप्लाई सप्लाई नहीं, क्योंकि अगर सर ये वेस्कुलर होता, देखो हमें जिसने भी डिजाइन किया या हमारे इवोल्यूशन के कारण हम डिजाइन हुए, अगर ये सर वेस्कुलर होता तो ब्लड आता, ब्लड आता तो ट्रांसपेरेंसी इसकी खत्म हो जाती, इसी वजह से ये इस तरीके का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, नीट फर्स्ट 2016। वापस से देखिए सर, मैंने एक चीज नोटिस करी इन क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगर नर्वस और मैं मानू मैं तो 5-6 कंसेप्ट के रिगार्डिंग ही आसपास आते हैं, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन हो गया, सारे डायग्राम हो गए, नर्वस सिस्टम होता है सर, हर एक चैप्टर, यही नहीं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, हर एक चैप्टर में जैसे आपने कहा कि 5-7 पॉइंट से इर्द गिर्द घूम रहा है जी, मेरा तो मानना ये है कि 5-7 पॉइंट ऐसे होते हैं हर एक चैप्टर में, वही चैप्टर को डिसाइड करते हैं, हर एक चैप्टर में 5-7 कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की गहराई तक जाकर देखेंगे आप तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा सर, सही बात। इस तरीके से हमारे को ऑप्शंस को भी स्टडी करना चाहिए, बिल्कुल। तो चलिए सर, पहला हो गया ऑप्सिन एंड रेटिनल जी, अब देखो यहां पर है रोडोप्सिन, बिल्कुल फोटो सेंसिटिव कंपाउंड जो है रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन किससे बना, रेटिनल प्लस ऑप्सिन, ऑप्सिन तो प्रोटीन हो गया और रेटिनल याद होना चाहिए, ये एल है, ये प्रोटीनियस पार्ट है और ये एल्डिहाइड है, और ये बनेगा रेटी
नोल से, नोल से यानी कि ओल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है और ये विटामिन ए का डेरिवेटिव। जी सर, यदि ये नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये नहीं होगा, रात को नहीं दिखाई देगा तो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज डेवलप। तो ऐसे में देखो कई बार बच्चा वर्डिंग को भी नहीं समझ पाता कि एल क्या है या ओल क्या है, इस तरीके का ऑप्शन देखो फर्स्ट और सेकंड में मिल रहा है आपके। बिल्कुल कन, ये देखिए सर, ये एल और ओल का यहाँ पे जी घुमा दिया ना, इसका मतलब ओल वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, बिल्कुल अल्कोहलिक है, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि रेटिनिल एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सर ट्रांसड्यूसिन एंड रेटिनिन और यूनोसाइन एंड रेटिनॉल, नॉल आती फिर ये तो नॉल देखते ही हमें गलत कर देने हैं, और हमें फिर पता ही है कि ट्रांसड्यूसिन और रेटिनिन जो है ये एमबीबीएस में पढ़ने को मिलेंगे कि इनका किस तरीके से मैसेज कन्वर्जन होता है, सिस और ट्रांसफॉर्म कन्वर्जन, सिस और ट्रांसफॉर्म में कन्वर्जन, तब जाकर इमेज फॉर्मेशन होता है डिटेल में। तो सही आंसर सर इसका फिर हो जाता है हमारा फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, ये नीट सेकंड जो लगा था 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जी अब सही चूज करना है, मतलब तीन तो होंगे गलत, एक होगा सही। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, और इसमें सर हमारा रिसेप्टर का क्वेश्चन है ये जी, नर्वस सिस्टम जो आजकल इस पोर्शन को रिमूव भी कर दिया गया है, एनसीईआरटी में बहुत कम देखने को मिलता है रिसेप्टर के डायग्राम, लेकिन कुछ वर्ड जो लिखे गए हैं थर्मोरेगुलेशन से रिलेटेड, थर्मोरिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम या गस्टेटरी एपिथेलियम, इसलिए हमें इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सर मैं चाहूंगा आप बच्चों को अच्छे से क्लियर करा दें ताकि हमारा हम ये कहें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई है, तो करेक्ट तो इजी वे से आइडेंटिफाई हो जाएगा जी सर, लेकिन हमें उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। यहां पर मिसनर्स कार्पसल्स आर द दी नी ए थर्मोरिसेप्टर है दी, यहां पर बेटा जी स्पेस जो है वो थर्मो, मैंने सर ऊपर लिख दिया, हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये थर्मोरिसेप्टर है। तो मिसनर्स कार्पसल जो है ये प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड है, थर्मो से रिलेटेड, थर्मल से रिलेटेड नहीं है। अब प्रेशर से रिलेटेड भी दो तरीके के जी सर, मैंने इस तरीके से टच किया, बस ये केवल टच है, प्रेशर नहीं है अभी, प्रेशर केवल अपर सरफेस, अपर सरफेस पे आया तो हमें पेन नहीं होगा, केवल टच का एहसास होगा। हमने इसको तेजी से प्रेस किया जी, तो हमें पेन भी होगा और प्रेशर भी, प्रेशर का भी, वहां पर डीप जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होंगे, उनको बोलते हैं पैसिनियन रिसेप्टर, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पैसिनियन, पैसिनियन। तो मिसनर्स और पैसिनियन प्रेशर से रिलेटेड है, थर्मो से रिलेटेड नहीं है, तो गलत हो गया सर जी, हमें तो पर करेक्ट चूज करना है जी। फोटो रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आई आर डीपोलराइज ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम hyperpolarized in response to the light stimulus. बिल्कुल सही है, हाइपर लाइट स्टिमुलस जैसे मिलेगा उसका ब्रेकडाउन होगा जी, रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन होगा बिल्कुल, तो इसका मतलब वहां पर hyperpolarized कंडीशन होनी चाहिए, जब रात होगी तब वहां पर रोडोप्सिन बनना चाहिए, इसका मतलब उसको एक्शन पोटेंशियल मिलना चाहिए, सर एक टूटना और एक बनना, बनने के लिए डीपोलराइज मैसेज जा रहे हैं और टूटने के लिए हाइपरपोलराइज, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट, करेक्ट हो गया सर। तो हमें सेकंड में ही हमारा आंसर मिल जाता है, रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है, रिसेप्टर यदि नहीं होंगे तो मैसेज पोटेंशियल की फॉर्म में जाएगा कैसे, जाएगा कैसे सर, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। नॉसी रिसेप्टर्स रेस्पोंड टू चेंज इन, मैंने अभी बताया आपको कि प्रेशर से रिलेटेड क्या है, पैसिनियन है और नोसाई रिसेप्टर इससे रिलेटेड नहीं है। तो सर सही आंसर जो हमें मिल गया वो सेकंड ऑप्शन पे मिल जाता है। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, काफी लास्ट टाइम पे भी आपने डायग्राम बनाया था सर, स्नैप्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर होगा, तो इस तरीके का हमने डायग्राम बनाया था जी, और अभी भी दो क्वेश्चन देखे, दो क्वेश्चन देखे, वही मैंने कहा रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होता है, पोस्ट रिसेप्टर यहां पर होगा। स्नैप्स में दो न्यूरॉन ऐसे आते हैं जो लेकर के आता है वो प्रीसिनेप्टिक, और जो ले जा रहा है जहां पर वो पोस्टसिनेप्टिक, तो ये प्रीसिनेप्टिक और ये पोस्टसिनेप्टिक, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये क्या लगे हुए रिसेप्टर, और यहां पर क्या है साइनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल्स, ये साइनेप्टिक वेसिकल से क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर आएगा,
रिसेप्टर से रिलेटेड पूछे तो रिसेप्टर सर एक मतलब एक तरीके के ऐसे हमारे गेटेड चैनल है जिनसे ये बाइंड होगा और बाइंड होते ही यहाँ पर सोडियम के गेट खुल जाएंगे तो ये वाली फिर डीपोलराइज हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सोडियम खुले, क्या पता क्लोराइड को भी ओपन कर सकता है। इसका मतलब वो डीपोलराइज के मैसेज भी दे सकता है और हाइपर पोलराइज के मैसेज भी दे सकता है। डीपोलराइज में सामने वाले के सोडियम चैनल खुले जी और हाइपर पोलराइज में सामने वाले के क्लोराइड चैनल। इसीलिए ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिलीज होता है ये एक्टिवेटिंग भी है इनहिबिटिंग भी है। इसीलिए इसको बोलते हैं दो तरीके के न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, एक Enhancing और एक inhibiting वाले। जैसे inhibiting में GABA हो गया जी, GABA में तो अभी सिंपल इसने पूछा है कि रिसेप्टर कहाँ होते हैं, तो पहला दे रखा है प्रीसिनेप्टिक जो कि गलत हो गया क्योंकि वहां से तो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है। टिप्स ऑफ एक्सॉन, इसका मतलब टिप्स ऑफ एक्सॉन है, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन सिनेप्टिकल वेसिकल, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है ये तो इससे पहले के सभी दे रहे हैं। हाँ, ये अगर देखा जाए तो ये हमारा बेसिकली वो तो पता लगेगा तो यह है। हाँ, न्यूरो ट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहाँ है तो सामने वाले जगह पढ़ना भी जरूरी है कि न्यूरो ट्रांसमीटर पूछा है या रिसेप्टर पूछा है। रिसेप्टर पूछा है, सही बात है, बिल्कुल सर। आपको कई बार लैंग्वेज ही गलत करवा देती है क्वेश्चंस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजंस इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। वापिस सर, करेक्ट इनकरेक्ट आगे पीछे, मतलब ज्यादातर एग्जामिनर को यही मिलता है पूछने का तरीका, या तो गलत पूछ लो या सही वाले पूछ लो। जी, तो हम देखते हैं सर हाइपोथैलेमस, ये इनकरेक्टली बात कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर हंगर एंड थ्रस्ट। सही, आपने सर शुरुआत ही इसी क्वेश्चन से की थी। हाँ, कि थर्मो रेगुलेशन और ईटिंग का सेंटर कौन है, हाइपोथैलेमस सर। ये स्टेटमेंट तो वैसे ही करेक्ट है। और रिलीजिंग हार्मोन तो ये सर निकालता ही है जो कि पोर्टल सिस्टम, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन तो इसका नेचर है, इसीलिए इसको बॉडी ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। और हमारा मेन जो सेंटर है हेडमास्टर सेंटर हो गया। कॉर्पस कैलोसम, बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अभी देखा था ऑप्शन में आया था, ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में रिवीजन हो गया हमारे पुराने सभी क्वेश्चंस का। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजंस ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट। लिम्बिक सिस्टम के बारे में भी लास्ट गुरुनीति में हमने बात की थी। लिम्बिक सिस्टम में एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस जो लोब है, हिप्पोकैम्पस लोब शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करता है, और एमिग्डाला जो है वो हाइपोथैलेमस से मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर, रेज, लव, इनको एक्टिवेट करता है। इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। गलत ही हमसे पूछा है। मेडुलोब्लेंटा रेस्पिरेटरी सेंटर और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता ही, ये तो इसका फंक्शन है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा सर हमारा। The transparent lens in the human eye is held in its place by, यानी कि लेंस को अपनी जगह पर बनाए रखने का काम कौन करता है? ये लेंस हो गए। बार-बार हम आई का डायग्राम देख रहे हैं। आई का डायग्राम यदि क्लियर नहीं है तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। ये लेंस है जी, एक साइड में यहां पर लिगामेंट्स और दूसरी साइड में यहां पर सीलियरी बॉडी, इस तरीके से इनका अटैचमेंट है जी। लिगामेंट यदि रिलैक्स होगा तो सीलियरी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन होगा, बिल्कुल। सीलियरी बॉडी रिलैक्स होगा तो लिगामेंट में जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है, दोनों कह सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी कहां देखने को मिलेगी? आप मेरे पास में पोजिशन है, स्टूडेंट बहुत दूर है, 6 मीटर से दूर की लेंथ, 6 मीटर से पास की लेंथ को यदि हम आईज में, लेंस तो एक ही है ना जी सर, उसको दूर की चीजें भी देखना है और पास की भी, तो ये अपने कर्वेचर को चेंज करके अपने कोई लेंस को कभी ये ऐसा बना देता है और कभी लेंस को ऐसा बना, लेंस की कर्वेचर चेंज करके इसकी फोकल लेंथ को मेंटेन कर, फोकल लेंथ को चेंज करके कर क्या रहा है, दूर की चीजों को भी इजी वे से देख पा रहा है, पास की पास की चीज, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन सही है सर, बिल्कुल।
आई का अकोमोडेशन या हमारी आंख का समायोजन, समायोजन, वो समायोजन करने में इस लिगामेंट और सिलियरी बॉडी का बहुत मेजर रोल होता है और इन दोनों से ही ये अटैच होता है। तो आई लेंस जो है ह्यूमन आई का वो सिलियरी बॉडी और लिगामेंट से अटैच है। ऐसा ऑप्शन देखो, स्मूथ मसल्स अटैच टू द आइरिस, आइरिस तो आगे पिपल बनाने का काम करेगा, स्मूथ मसल्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी, ये भी रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, लिगामेंट्स अटैच टू द आइरिस, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें तो लेंस को रोकना है, लेंस को रोकना है, लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी, ये स्टेटमेंट क्या है, सही हो गया सर। निसल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, इस तरीके का क्वेश्चन हमने देखा था नीट 2018 में पूछ लिया सर, इसमें पहले भी आप इसको लेबल कर चुके हैं कि निसल बॉडी कहां पर प्रेजेंट है, तो एक बार आप डायग्राम बनाएंगे तो साइटोम वाले पार्ट में ये इस तरीके से सर हमारा न्यूरॉन हो गया, ये यहां पर डेंड्राइट हो गई और ये बीच में इसका न्यूक्लियस हो गया, इस जगह पर तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, निसल बॉडी प्रेजेंट होंगे डेंड्राइट में और साइटोम, साइटोम में और एक्सॉन में, जैसा कि आपने लिखा एक्सॉन में ये एब्सेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म में इस तरीके से यहां पर ये पाए जाते हैं और रफ इनको दूसरा नेम भी दिया था हमने टिग्रोइड बॉडी, और ये टिग्रोइड बॉडी जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम, राइबोसोम उसे आपने बताया भी था, आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं सर, और तो राइबोन्यूक्लिक आपने बताया था, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स भी जो है वो भी इससे अटैच है, आरएनए प्लस प्रोटीन जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राइबोसोम भी होना चाहिए और राइबोसोम होने की वजह से वो सरफेस क्या हो जाती है, रफ, रफ हो जाती है, स्मूथ तो रहेगी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो स्मूथ दे रखा है तो गलत हो गया सर, फ्री राइबोसोम्स एंड आरआर हमारा ऑप्शन मिल गया यहाँ पर, मिल गया सर, डीएनए आरएनए प्रोटीन लिपिड गलत हो गया, तो सही आंसर जो है हमारा फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर आपस में क्या बनाती है, निसल ग्रेन्यूल्स बनाती है। Which of the following state वापस सर करेक्ट का आ गया जी, 2019 में पहुंच चुके हम लोग, कॉर्निया इज ए कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर व्हिच इज हाईली वैस्कुलराइज्ड, अभी हमने बात की थी जी, गलत, हाईली वैस्कुलराइज्ड ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, वैस्कुलराइज मतलब वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होना चाहिए और वैस्कुलर टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करे, जैसे कि हमारे में ब्लड है तो वो यहां पर होता नहीं है, इसलिए गलत हो गया। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन जो है इसमें एम्बिग्यूटी भी जनरेट हुई थी, हाँ, और बच्चों ने भी दो ऑप्शन जनरेट करवाए, लेकिन एनटीए ने जो डिसाइड किया हम उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन कोई भी ऑप्शन में 100% करेक्ट नहीं है, पार्शली पार्शली करेक्ट है दो ऑप्शन, वो भी हम बताएंगे कि कौन कौन से करेक्ट है और जो एनटीए ने माना उसको हमें करेक्ट मानना है, बिल्कुल। Cornea is an external transparent and protective proteinaceous covering of the eyeball. हाँ, ये भी देखो मैं कह सकता हूं ये स्टेटमेंट भी और ये स्टेटमेंट भी पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट, बिल्कुल सही बात, इसका मतलब ऑप्शन ये भी उतना ही सही है उतना ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, Cornea consists of dense connective tissue of elastin and can repair itself. ये स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है, इट मीन्स इन दोनों में हमें एम्बिग्यूटी जनरेट हो रही थी और ये सभी को एम्बिग्यूटी जनरेट हुई थी, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन माना था एनटीए ने वो सेकंड माना था कि ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको भी सेकंड माना, सेकंड माना। कॉर्निया किसका बना है, हमें क्या मानना है, अगली बार भी अगर क्वेश्चन आए तो इसका रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं, डेंस मैट्रिक्स है जिसमें कोलेजन फाइबर्स हैं और मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन है, क्यों है, क्योंकि सर इससे मुझे टेस्ट याद आ रहा है एमबीबीएस का, उसमें क्या होता है कि अगर किसी का हमें चेक करना है, अगर उसके क्रेनियल रिफ्लेक्सेस को हमें चेक करना है तो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट किया जाता है, पहले के टाइम पर अगर ये भी पता करना होता था कि व्यक्ति की डेथ हो चुकी है या उसके साथ, तो एक पिन जो होती है इंजेक्शन की उसे कॉर्निया के ऊपर दबाया जाता है और दबाने से जब वो उससे पेन जनरेट होता है तो उसके हम लोग क्रेनियल रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं, तो इस वजह से ये एक ऑप्थम में पढ़ते हैं हम लोग, आगे जब एमबीबीएस के बाद आई स्पेशलिस्ट होते हैं जहां हम उसको पढ़ते हैं, दैट्स इस वजह से इसका आंसर ये मोस्ट सेंसिटिव वाला गया, बच्चे क्या मान के चले सेंसिटिव, रेटिना फोटो के लिए, लेकिन यहां पर हमें इस ऑप्शन को करेक्ट मानना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन,
Which part of the brain is responsible for thermoregulation? शुरुआत भी हम इसी तरीके के क्वेश्चन से की थी कि टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कौन सा है Hypo. और इसकी जो एंड हुआ है वहां पर भी हमने इसी तरीके का क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर क्या होगा हाइपोथैलेमस थर्ड सेंटर है अर्ध सेंटर है हमारे को किसी भी प्रकार का भूख लगती है उसका सेंटर है जी या फिर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है थ्रस्ट सेंटर है हार्मोन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग सेंटर है बॉडी ऑफ ऑर्केस्ट्रा है उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा हाइपोथैलेमस नीट 2019 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जी नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं आपने इतने साल के क्वेश्चंस देखे अभी टोटल 25 क्वेश्चंस ही हमने कवर किए अब आप उस क्वेश्चन को जहां देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन पीछे के क्वेश्चंस में ही हम लोग कर चुके हैं और उसे हम नेक्स्ट गुरु नीति में लेंगे एंडोक्राइन के साथ जी तो आज के लिए इतना ही सभी के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू